हरे कृष्ण। ओम अज्ञानति मृन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवै नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सव्यं रूपकदमयं ददाति सोपतांतिकं। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शुभासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च नंद गोपा कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीना बंधु जगतपते, गोपेश गोपी का कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचना गोरंगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानो सुत देवी प्रणामामि हरि प्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। जीवन की आपाधापी स्ट्रगल, ऊंच नीच और रोजमर्रा के झंझट, ये हम सबों के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन जैसे ही मैं व्यासासन पे आता हूं, मुझे लगता है मैं अपनी माँ की गोदी में आ गया हूं। सारे झंझट, सारी आपाधापी एक क्षण में समाप्त हो जाती है और आनंद का अनुभव लगता है। ऐसे लगता है एक ताजा हवा का झोंका ऑल ऑफ सडन शरीर को छू के चला गया और हम ताजा हो गए, फ्रेश हो गए। ये है व्यासासन। और इस व्यासासन के माध्यम से जो चर्चा होती है, वो चर्चा जीवन को धन्य कर देती है। मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे मित्रों, आप और मैं, हम सब इंसान हैं। याद रखना, कोई भी संत साधु महात्मा पहले इंसान होता है, फिर संत होता है। पहले इंसान होता है, फिर महात्मा होता है। पहले इंसान होता है, फिर साधु होता है। और इंसान होने के नाते, चाहे साधु हो, संत हो, महात्मा हो, या एक कॉमन इंसान हो, एक साधारण इंसान हो, समस्या सबकी एक जैसी होती है। तकलीफ सबको एक जैसी होती है। आपाधापी जबकि जीवन में एक जैसी होती है। फीलिंग सबकी एक जैसी होती है। इमोशंस सबके एक जैसे होते हैं। ये मैं बहुत प्रैक्टिकली बात आप लोगों से कर रहा हूं आज। दुख मुझे भी होता है, दुख आपको भी होता होगा। इमोशंस मेरे भी होते हैं, इमोशंस आपके भी होते होंगे। समस्याएं मेरी भी होती है, समस्याएं आपकी भी होती है। आपाधापी मेरे जीवन में भी, आपाधापी आपके जीवन में भी होती होगी।
कभी मैं भी बहुत हंसता हूँ, कभी मुस्कुराता हूँ, कभी चुप भी हो जाता हूँ। लेकिन इन सारी आपाधापियों के बीच मैंने हरि कथा को कभी त्यागा नहीं, क्योंकि यही मेरा ऑक्सीजन है, यही व्यास आसन से मुझे ऊर्जा आती है, इसी व्यास आसन से मुझे शक्ति आती है, और वही शक्ति का संचार जो व्यास आसन के माध्यम से आप तक पहुंचता है, वो आपको भी एक बूस्ट देता होगा, आपकी बैटरी भी चार्ज कर देता होगा। मेरी माता बहनों मित्रों, मेरे हाथ में भगवद गीता है, और जैसे ही इसको मैं छूता हूं, इस गीता में अजीब सी शक्ति है, अजीब सी शक्ति है, बहुत ही। इस भगवद गीता में बहुत शक्ति है, बहुत ऊर्जा है, ये ऊर्जा से भरी हुई गीता। पता नहीं क्यों इसे छूते ही मैं खुद को बहुत रिफ्रेश महसूस होने लगता है, मुझे ऊर्जावान लगने लगता है मुझे खुद को अपने अंदर। क्यों? कि ये कृष्ण की वाणी है, इसे छूते ही आलो सडन रोशनी सी होने लगती है, प्रकाश का अनुभव होता है। क्यों? ये कृष्ण की वाणी है, इसे छूते ही कृष्ण का एहसास होने लगता है, इसे छूते ही कृष्ण का एहसास होने लगता है। मेरी माताओं बहनों मित्रों, गीता हमें घर जाने का रास्ता बताती है, ये वो पुस्तक है जो हमारा एक रोड मैप बनाती है घर जाने के लिए। इसमें घर जाने का रहस्य है, वापसी का रहस्य है। ये गीता हमें घर जाने का रास्ता बताती है, इसे इसे छूते ही मुझे बहुत ऊर्जा का अनुभव होने लगता है, और खुद को बहुत आनंद का अनुभव करता हूँ, आनंदित अनुभव होने लगता है, क्योंकि ये मेरे ठाकुर की वाणी है, मेरी माताओं बहनों मित्रों। इसलिए भगवद गीता आप पढ़िए, भगवद गीता आप सुनिए, ये जो रोज मैं आपसे गीता पे चर्चा करता हूं, यही वो समय होता है जो हमें बाकी 24 घंटे में जो भी समय होता है उसमें ऊर्जावान बनाता है। जरूरी नहीं कि अभी जैसा मेरा मूड आपके सामने है, थोड़ी देर पहले भी वैसा ही होगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा, हम सब पहले इंसान है, बाद में सब और कुछ है। लेकिन ये व्यासासन और ये गीता ये मेरे जीवन के आधार हैं। आप सोच रहे होंगे, लेकिन ये वास्तविकता है। बहुत आप तक ये गीता का संदेश पहुंचाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि इसी भगवद गीता के संदेश पे हम चलकर यही वो संदेश है जो देश तक पहुंचाएगा। यही वो संदेश है जो देश तक पहुंचाएगा। मेरी माताओं बहनों मित्रों, ये गीता
दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशनल ग्रंथ है, किताब है, बुक है। आप देखेंगे कि जब हम भगवद गीता का दूसरा अध्याय पढ़ते हैं तो पहले अध्याय में दोनों सेनाओं का निरीक्षण होता है। दुर्योधन दोनों सेनाओं की चर्चा करता है, अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर, और बताता है कि किस तरह से हमारी जो सेना है उसको पितामह भीष्म ने, उसमें बड़े बड़े योद्धा जो है उनके नाम बताए, पितामह भीष्म, ये वो, करण, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र, भूरि शर्वा, ये सब नाम बताए। फिर बताए भीम के द्वारा जो उसमें इतने बड़े बड़े योद्धा है, और ये सारी बताई। और उसके बाद सबों ने अपने अपने शंख बजाए, कृष्ण ने अपना पंचजन्य बताया, बजाया शंख, अर्जुन ने देवदत्त नाम का शंख बजाया, पौंडर नाम का शंख भीम ने बजाया, निकुल सहदेव ने मणिपुष्पक और सुघस नाम का शंख बजाया, अपने प्राण त्यागने के लिए, दुर्योधन का भला करने के लिए कौन कौन आया है। जब अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच गया तो क्या देखता, सब अपने ही अपने हैं, अपनों से लड़ना सबसे बड़ा मुश्किल काम। अर्जुन जैसा योद्धा ने अभी हथियार डाल दिए कि मैं अपनों से नहीं लड़ सकता हूं, लेकिन अपनों से लड़ना बहुत मुश्किल काम है, और दुर्भाग्य से अधिकतर लोगों को अपनों से ही लड़ना पड़ता है। याद रखना मेरी माताओं बहनों मित्रों, जीवन की आपाधापी समझा रहा हूं। ये कभी कभी दंगे होते हैं ना, जैसे अभी दिल्ली में हुए थे दंगे, दुर्भाग्य, किसी की मोटर जलाई जाती है, किसी की स्कूटर जलाई जाती है, किसी की फैक्ट्री जलाई जाती है, किसी का कारखाना जलाया जाता है, किसी की दुकान जलाई जाती है। याद रखना, दुकान जलाने वाला कोई पराया होता है, मकान जलाने वाला कोई पराया होता है, फैक्ट्री कारखाना जलाने वाला कोई पराया होता है, स्कूटर कार जलाने वाला कोई पराया होता है, लेकिन दिल जलाने वाला कोई अपना होता है, वो पराये के बस की बात नहीं है। पराया गाड़ी जला सकता है, पराया मोटर जला सकता है, पराया फैक्ट्री जला सकता है, पराया कारखाना जला सकता है, पराया गाड़ी में आग लगा सकता है, पराया मोटर में आग लगा सकता है, पराया फैक्ट्री में आग लगा सकता है, लेकिन जिंदगी में आग लगाने वाला कोई अपना ही होता है, ये याद रखना। और अपनों से लड़ना सबसे मुश्किल काम है, याद रखना। कान खोल के सुनो मैं जो कह रहा हूं। इंसान सब जगह से जीतता है, क्या बोला, इंसान सब जगह से जीतता है लेकिन घर में आके हार जाता है। आई नहीं समझ, सब जगह से जीतता है घर में आके हार जाता है, वो सब से जीत के आता है लेकिन घर वालों के आगे हारना पड़ता है उसे। यही अर्जुन के साथ हुआ, हथियार डाल दिए, हार गया,
लेकिन मेरी माता बहनों मित्रों, कृष्ण को यह मंजूर नहीं था। कृष्ण ने चाहा तो अर्जुन में ऊर्जा आ गई। कृष्ण के उपदेश से हारा हुआ अर्जुन जीत गया। मेरी माता बहनों मित्रों, यह है गीता का संदेश जो मनुष्य को हारे हुए को जिता देता है। एक बात याद रखो, हाथ टूट जाए ना, हाथ टूट जाए तो जुड़ सकता है, पांव टूट जाए तो जुड़ सकता है, दांत टूट जाए तो भी जुड़ सकता है नया नकली, उंगली टूट जाए तो भी जुड़ सकती है। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर एक से एक पड़े होशियार। पांव टूट जाए तो जुड़ सकता है, हाथ टूट जाए तो जुड़ सकता है, उंगली टूट जाए तो जुड़ सकती है, लेकिन जब इंसान टूट जाता है ना तो उसे कोई नहीं जोड़ सकता है। और इंसान को कौन तोड़ता है पता है? उसके अपने। उसके अपने उसको तोड़ देते हैं। एक बात बताऊं, बात समझो, ये जो इंसान बूढ़े हो जाते हैं ना, बूढ़े बूढ़े उम्र से नहीं होते, बिकॉज एज इज द ओनली नंबर ऑफ गेम। एज तो एक नंबर का गेम है, इससे बुढ़ापे का कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, याद रखना, बुढ़ापे का लेना देना उम्र से बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर इंसान को बूढ़ा उम्र नहीं करती है, इंसान को बूढ़ा वो करते जिनके लिए उम्र गुजारी होती है, उसके अपने उसको बूढ़ा कर देते बिफोर टाइम। कभी कभी तो वक्त से पहले कभी कभी तो बूढ़ा कर देते। गीता उन बूढ़ों को भी जवान कर सकती है, ऊर्जा भर सकती है, आनंद उमंग उत्साह। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा ही चाहिए। मुझको तेरा सहारा ही चाहिए। और जब मेरे ठाकुर का सहारा मिल जाए तो पता है क्या होता है? तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। जीवन की राहों में तेरा प्यार रोशनी है, मेरे ठाकुर मेरे गोविंद। भीड़ तन्हाइयों का मेला है, आदमी आदमी अकेला है, हर एक व्यक्ति अकेला है। चाहे भीड़ में हो फिर भी है तो अकेला, और उस अकेलेपन को बांटने वाला कृष्ण है, क्योंकि कृष्ण आनंद है, कृष्ण उमंग है, कृष्ण उत्साह है। और सत्संग के माध्यम से, हरि कथा के माध्यम से, भगवद गीता के माध्यम से, मेरे ठाकुर की कथाओं के माध्यम से जो हमारे जीवन में आनंद आने लगता है, जब हमारे जीवन में उमंग आने लगती है, जब हमारे जीवन में उत्साह आने लगता है, तब समझ लो हमारे जीवन में कृष्ण आने लगा। और ये कृष्ण का संचार किसने किया? कृष्ण कथा ने किया। जीवन में आनंद का संचार किसने किया? आनंदमय कृष्ण ने। इसलिए कृष्ण कथा को कभी मत छोड़ना। कृष्ण कथा, हम पता है इस समय कलयुग में कैसे
हम सब बेड पे हैं समझ लो, और कृष्ण कथा हमारा ऑक्सीजन है, हम फिर से जिंदा हो जाते ऑक्सीजन से। नहीं तो मेरी माताओं बहनों मित्रों, कई लोगों को तो बिफोर टाइम वो जिंदा है लेकिन मरे हुए हैं अंदर से। उनको फिर से जिंदा होना है ना तो सत्संग सुने, उनको फिर से जिंदा होना है तो कथा सुने, इनको फिर से सुना है तो जपे नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो उनको एक नया जन्म मिलेगा। मेरी माताओं बहनों मित्रों, हम सब हरि कथा से जुड़े हैं, हमारा तो एक नया जन्म हुआ है। हम सब हरि नाम से जुड़े हैं, हमारा तो एक नया जन्म हुआ है। ऐसा जन्म जो कृष्ण के द्वारा से, कृष्ण की कृपा से हुआ, ऐसा जन्म जिसमें कृष्ण है, कृष्ण कथा है, कृष्ण भक्ति है, कृष्ण भजन है। जपते रहो और सदा खुश रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल फिर मिलेंगे इसी समय हरी कथा के साथ, लेकिन उस बीच प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। हाँ, अभी तो लॉकडाउन खुला है, अगर आपको बाहर जाना है तो प्रिकॉशन लेके जाइए जो ज़रूरी है, जैसे कि हैंड सैनिटाइज़र। मैं बार बार कहता हूँ, अगर बाहर से घर पे आइए, अगर आप घर से बाहर से घर पे आए हैं तो पहले तो सीधे जाके अपने हाथ धोइए, कम से कम 20 सेकंड हाथों को धोएं, क्योंकि आप अकेले नहीं अपने घर में, आपके बच्चे भी हैं आपके घर में। अपना एहसास नहीं तो अपने बच्चों को एहसास कीजिए, उन छोटे बच्चों का जिनको आपकी बहुत ज़रूरत है, उनको आपकी बहुत ज़रूरत है। आपके बूढ़े माँ बाप जिनको आपकी बहुत ज़रूरत है, आपके परिवार आपकी फैमिली जिनको आपकी बहुत ज़रूरत है, अपना नहीं तो अपनों का एहसास कीजिए और सावधान रहिए। नित्य बजो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।